बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायकों ने किसानों और आम आदमी की बिजली की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर दक्षांचल एमडी कार्यालय पर 22 सितंबर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। बसपा के दम पर मान सम्मान और शोहरत कमा चुके पूर्व विधायक कालीचंद सुमन, डॉक्टर अवधेश सिंह उर्फ बीरू सुमन, डॉक्टर सूरजपाल, डॉक्टर धर्मपाल और भगवान सिंह कुशवाहा पांचों पूर्व विधायकों ने कोविड-19 के नियमों का ध्यान रखते हुए जनता से अपील की कि कोई भी समर्थक और पीड़ित जनता धरना स्थल पर न आए। जनता की समस्या का समाधान न होने तक जनता की लड़ाई लड़ी जाएगी। किसानों को पहले 24 घंटे बिजली मिलती थी और घरेलू उपभोक्ताओं को भी 24 घंटे मिलती थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने जो 24 घंटे बिजली थी घरेलू से 18 घंटे कर दिया, जो 10 घंटे कर दिया। तो हमारी मांग है कि आगरा के किसानों को 24 घंटे बिजली दी जाए, ट्यूबवेलों की और घरेलू। और जो किसानों के ट्यूबवेल इस समय काटे जा रहे हैं, अगर उनकी फसल सूख जाएगी इस समय, तो उन्हें कहा कि अभी ना काटें। नहरों की समस्या थी, नहर के अधिकारी आए, आपने सब चीज़ें सुनी, उन्होंने कहा कि हम 3-4 दिन में पानी छोड़ेंगे। तो मेरा ये है, अगर हमारी ये मांगें तुरंत इन पर कार्रवाई होती, जैसे एक उन्होंने 14 घंटे की आज कर दी है, उसके लिए हमने उनका धन्यवाद भी दिया। अगर आगे हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम पांचों विधायक यहाँ हैं, सबने ये निर्णय लिया आने वाले दिनों में अगर 20 घंटे बिजली नहीं दी आने वाले दिनों में, तो हम लोग एक बड़ा प्रदर्शन पैदल मार्च कमेंसरी तक करेंगे। इस धरने के माध्यम से हम लोगों ने, पूर्व विधायकों ने, आगरा जनपद के अंतर्गत बिजली की जो किल्लत है, बिजली की जो समस्या है, पानी की जो समस्या है, उसको लेकर के धरना दिया। और हम लोगों की मांग थी कि आगरा के अंतर्गत इस समय बारिश नहीं हो रही है और पानी की बहुत आवश्यकता है। किसान इस समय परेशान है, किसान की फसल खड़ी है, यदि समय से पानी नहीं मिला तो फसल नष्ट हो जाएगी, किसान बर्बाद हो जाएगा। तो ये हमारी मांग थी कि 20 घंटे कम से कम बिजली मिलनी चाहिए और जो पानी नहर और रजवाओं में जो पानी नहीं आ जा रहा है, वो भी पानी जाना चाहिए। इस संबंध में एनडी साहब ने कहा है कि हम जो किसानों के जो बिजली के बिल न जमा कर, लॉकडाउन की वजह से लोग परेशान हैं, हम 15 दिन तक जो फसल जो चल रही है, सिंचाई चल रही है, बिजली के कनेक्शन न काटे जाएं। किसान जब फसल आ जाएगी तो अपने आप बिल जमा करेगा। ये सारी बातें एनडी साहब ने आश्वासन दिया है, यदि इस पर अमल नहीं होता है तो फिर हम आंदोलन के लिए बाध्य। विशेष कारणों से बसपा छोड़ चुके पांचों विधायकों का एक साथ धरने पर बैठना आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में घर वापसी और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पाने के प्रयासों की ओर संकेत देता दिखाई दे रहा है। भले ही पूर्व विधायक अपनी मन की बात बताने से कतरा रहे हों, लेकिन ये सब जानते हैं कि जिसने बसपा छोड़ी वह कहीं का नहीं रहा। फिलहाल पूर्व विधायकों का किसानों के लिए धरना देर आए दुरुस्त आए कहावत को चरितार्थ करता नजर आता है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आगरा की हर जमीन पर बहुत ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन होगा और ये दिखा देंगे कि किसान की क्या ताकत है। रणनीति हमारी तैयार है, रणनीति हमारा इरादा है, हमारा संकल्प है। आज हमारी मेन 4-5 मांग थी, खासकर के 2 मांगे जो थी किसानों से संबंधित, 20 घंटे नलकूपों को बिजली दी जाए और जो उत्पीड़न हो रहा किसानों का, कृषक काटे जा रहे हैं, कम से कम 15 दिन तक, जब तक फसल सूख जाएगी 15 दिन तक न काटा जाए, ये हमारी मांग थी। आज किसान चौतरफा मारा जा रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, बिजली की समस्या और सरकार द्वारा किसान विरोधी बिल पास करने से किसान का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। ऐसे में किसानों के हितों और हकों के लिए पूर्व विधायकों द्वारा आवाज उठाना किसी बेसहारे को बैसाखी देने के बराबर हो सकता है। पांचों विधायकों ने दक्षिणांचल के एमडी सौम्य अग्रवाल से मुलाकात कर बिजली से संबंधित किसानों की समस्याओं से अवगत कराकर ज्ञापन सौंपा। एमडी सौम्य अग्रवाल ने समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए समाधान का आश्वासन देकर अनिश्चितकालीन धरने को समाप्त करा दिया। इससे पहले ही हम लोगों की जिला प्रशासन से संबंध में बात चल रही थी और जिला कृषि अधिकारी ने ये आख्या दी कि कम बारिश के चलते यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस है, तो जिस कारण से उनका ये रिकमेंडेशन था कि कृषि फीडर पे 14 घंटे बिजली जो है अगले 15 दिन के लिए कर दी जाए। तो 19 तारीख को हम लोगों ने ये प्रस्ताव भेजा था मुख्यालय और 21 तारीख से हम लोगों की इस पे कल से ही हम लोगों ने एग्रीकल्चरल फीडर्स पे 14 घंटे बिजली स्टार्ट देना शुरू कर दिया है। दिस इज फॉर द नेक्स्ट 15 डेज, 5 अक्टूबर तक सुबह 4 से शाम के 6 बजे तक लगातार बिजली मिलेगी। इसमें हम लोगों का अभी वर्तमान में जो है वो हाई लॉस फीडर्स पे अभियान चल रहा है,
और उसमें जो है हमें डायरेक्ट कनेक्शन काटने की कार्रवाई ना करके उसमें सब लोगों को फील्ड स्टाफ को निर्देश है कि पहले कंज्यूमर को परस्यू करें, पहले उनसे वार्ता करें, वसूली के प्रयास करें, और उसके बाद अगर कंज्यूमर प्रयास करने के बाद अगर टर्न अप नहीं होता है तो फिर एज अ लास्ट रिकोर्स कनेक्शन काटा जाए या FIR करी जाए। अमूमन आमतौर पर FIR नहीं हो रही है। जो लोग प्रयास करने के बाद भी, वार्ता करने के बाद, कॉल करने के बाद, समझाने बुझाने के बाद जो लोग नहीं टर्न अप हो रहे, सिर्फ उन पर कार्रवाई करी जाए। उत्तर प्रदेश में भाजपा, बसपा और सपा का अपना वोट बैंक है। कांग्रेस पार्टी चौथे नंबर पर देखी जाती है। अब देखना ये होगा कि पांडव रूपी पांचों विधायकों को महाभारत रूपी राजनीति के क्षेत्र में कितनी सफलता मिलती है, या फिर अपने बलबूते निर्दलीय चुनाव लड़ना इनकी मजबूरी होगी। 7 इंडिया न्यूज के लिए सोनू कश्यप के साथ मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट।